नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑनलाइन सॉल्यूशन में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ SSC दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की आंसर की आ चुकी है। तो आप आंसर की कैसे निकालेंगे, इसके लिए आपको क्या करना है, तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की आंसर की निकालने के बारे में आज को आपको बताने वाला हूँ। तो इसके लिए आपको क्या करना है, अपना रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ आपको निकाल के रख लेनी है। तो फ्रेंड्स, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, जिससे कि आप देख पाएं हर रोज एक नई वीडियो। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको सरकारीरिजल्ट.com डाल देनी है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हम सरकारीरिजल्ट.com पे आ चुके हैं। यहाँ आपको थोड़ा नीचे आ जाना है। तो यहाँ आपको दिखाई देगा आंसर की वाला कॉलम, इसमें आपको दिखाई दे रहा है SSC दिल्ली पुलिस कांस्टेबल आंसर की 2020। तो देखिए, मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। यहाँ से हम अपने नीचे आ जाते हैं। तो ये देखिए, यहाँ आपको दिखाई देगा डाउनलोड आंसर की क्लिक हर। देखिए, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। तो ये देखिए, ये SSCDGALM.com खुल चुकी है। यहाँ से आप डायरेक्ट भी इस साइड पे जा सकते हैं, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ आपसे रोल नंबर मांग रहा है। तो ये देखिए, मैं यहाँ रोल नंबर डाल देता हूँ। इसके बाद आपको यहाँ अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है। तो पासवर्ड में आपको अपनी डालनी है डेट ऑफ बर्थ। तो ये देखिए, मैं यहाँ डालता हूँ। इसके बाद आपको लॉग इन कर लेना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हम लॉग इन हो चुके हैं। तो ये आपको एक इंस्ट्रक्शन दिखाई दे रहा है, तो इसे आप नीचे करने के बाद क्लोज कर देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आपको यहाँ दिखाई देगा क्वेश्चन पेपर एंड आंसर की। तो ये देखिए, यहाँ आपको नीचे दिखाई दे रहा है क्लिक हर। तो देखिए, क्लिक कर देते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, रोल नंबर, कैंडिडेट नेम, एड्रेस जहाँ इन्होंने टेस्ट दिया था, एग्जाम सिटी और एग्जाम टाइम, सब्जेक्ट कांस्टेबल इन दिल्ली पुलिस एग्जाम। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ आपको दिखाई दे रहा है पार्ट ए जनरल नॉलेज। तो ये जनरल नॉलेज के सवाल थे, जिसमें कि इनसे क्वेश्चन किया गया था, जिसमें इन्होंने आंसर पे टिक लगाया था एक नंबर कॉलम पे, जबकि इसका ये देखिए क्वेश्चन आईडी ये है आंसर स्टेटस आंसर्ड और ये क्वेश्चन ऑप्शन। तो ये देखिए फ्रेंड्स, चॉइस ने इन ऑप्शन इसका आंसर था नंबर 3, तो इन्होंने गलत दिया है। देखिए, इसी प्रकार से यहाँ और भी आपको दिखाई दे रहे हैं। तो देखिए, हम थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं। ये तो जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आंसर हैं, जो कि इनके द्वारा आंसर दिया गया है। तो ये भी जनरल नॉलेज है। अभी हम थोड़ा सा चलते हैं नीचे की तरफ। तो ये देखिए, यहाँ आपको दिखाई दिया है जनरल नॉलेज के 50 क्वेश्चन थे, और ये देखिए, यहाँ आपको दिखाई दे रहा है पार्ट बी रीजनिंग। तो ये देखिए, रीजनिंग के हैं, इसी प्रकार से इन्होंने रीजनिंग में किया है। ये देखिए, इसमें क्वेश्चन था, इसमें इन्होंने ऐसे ही आंसर दिया है, जबकि इसका आंसर था 2 नंबर। तो ये देखिए, इसी तरह से और हम नीचे आते हैं। ये सारे रीजनिंग के क्वेश्चन हैं, जो कि इनके द्वारा आंसर दिए गए हैं। ये देखिए पार्ट सी न्यूमेरिकल, ये देखिए मैथ के जो क्वेश्चन थे, इसी प्रकार से इसमें भी क्वेश्चन है, उसके बाद इन्होंने के द्वारा आंसर दिया गया है। तो ये देखिए, इसका आंसर इन्होंने बिल्कुल ठीक दिया है। इसी तरह से इसमें भी क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो ये देखिए, इसके कितने हैं, इसके 15 क्वेश्चन थे, जो कि मैथ के थे। इसके बाद यहाँ फ्रेंड्स, आपको पार्ट डी कंप्यूटर, तो ये देखिए कंप्यूटर में इस प्रकार से एक क्वेश्चन किया गया है, इन्होंने 4 नंबर पर आंसर टिक की है, जो कि ठीक है। तो इसी प्रकार से इसकी आंसर की आई है, तो आप मैच भी कर सकते हैं, या आपके द्वारा जो दिया गया था वो सारा यहाँ आपके सामने शो हो रहा है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की आंसर की देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।